हेलो ऑल। सो आज की वीडियो में मैं आपको सीलिंग मशीन की डेमो वीडियो दूंगी कि किस टेम्परेचर पे आपको कौन सा पाउच सील करना है। सीलिंग मशीन के साथ आपको ये एक एलिमेंट सेट मिलेगा। इसमें आपका ये क्लोथ कपड़ा होता है एंड ये दो एलिमेंट्स होते हैं। बार बार यूज करने के कुछ टाइम बाद हमारा ये जो कपड़ा है ये जल जाता है, जिसकी वजह से हमारा सील नहीं हो पाता है या पाउच जलने लग जाता है। तो उस केस में हम इस कपड़े को अपने इस कपड़े से रिप्लेस करते हैं। साथ में हमें ये दो एलिमेंट्स मिलते हैं। इसमें जो बिल्कुल पतले वाला एलिमेंट है ये, इसे हम राउंड एलिमेंट कहते हैं एंड ये जो थोड़ा मोटे वाला एलिमेंट है इसे हम फ्लैट एलिमेंट कहते हैं। कौन सा एलिमेंट कब यूज करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले हम ये नॉर्मल प्लास्टिक पाउच लेंगे। आप देखते हैं इन तरह के पाउचेस में हमारे दाल, चावल या ड्राई फ्रूट्स वगैरह पैक होते हैं। तो इन तरह के पाउचेस को पैक हम नॉर्मल 1 से 2 टेम्परेचर पे करते हैं सी। तो हम अपनी नोक को 1 से 2 के बीच में कर देंगे एंड सील करेंगे। पैकेट लेंगे, प्रेस करेंगे, 2 से 3 सेकेंड रुकेंगे। ये देखिए हमारा पाउच बहुत अच्छे से सील हो गया है। सिमिलरली अगर हमारे ये थोड़ा थिक पाउच है, थोड़ा मोटा पाउच है, इसके लिए हम टेम्परेचर 3 पे कर लेंगे एंड सील करेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, ये देखिए हमारा पाउच बहुत अच्छे से सील हो गया है। ये एल्यूमिनियम पाउच है, ये भी काफी, आप देख सकते हैं, काफी थिन क्वालिटी है। तो इसे भी हम 1 से 2 टेम्परेचर के बीच सील करेंगे। पांच से छह सेकेंड वेट करेंगे। ये हमारा क्राफ्ट पेपर है, ये भी अंदर से प्लास्टिक का ही होता है। अंदर से प्लास्टिक का होना जरूरी है, तभी हमारा प्लास्टिक मेल्ट होगा और वो सील करेगा। इसको हम नॉर्मली 2 से 3 टेम्परेचर के बीच में सील कर सकते हैं। तो ये तो था फ्लैट एलिमेंट। अब हम यूज करेंगे राउंड एलिमेंट। राउंड एलिमेंट को मशीन में लगाने के लिए आप स्क्रू ड्राइवर से ये चारों कील हटाएंगे, कपड़ा हटाएंगे, देन नीचे जो एलिमेंट है उसे हटा के राउंड एलिमेंट लगाएंगे। एलिमेंट कैसे चेंज करना है इसके लिए आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाउ टू चेंज एलिमेंट की वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। मशीन में हमने राउंड एलिमेंट लगा दिया है। इस तरह के पाउच के लिए हम 1 से 2 टेम्परेचर रखेंगे। 1 से 2 के बीच में हमने टेम्परेचर सेट किया है। मशीन प्रेस करेंगे एंड एकदम से, ये देखिए, अगर आपको इस तरह की पैकिंग चाहिए, बिल्कुल एच पे सीलिंग हो, तो उस केस में हम राउंड एलिमेंट यूज करेंगे। ये है फर्क फ्लैट एलिमेंट और राउंड एलिमेंट में। फ्लैट एलिमेंट में आपकी सीलिंग कुछ इस तरह से आएगी एंड राउंड एलिमेंट में आपकी सीलिंग इस तरह से आएगी। यही यूज होता है राउंड एलिमेंट एंड फ्लैट एलिमेंट। ऑल्सो मशीन में आपको किसी भी तरह का इशू आता है सीलिंग में या मशीन से रिलेटेड, तो आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं।